मलिका शेरावत। आजकल तो वो थोड़ी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनका सिक्का चलता था। उनके गाने देखकर ही दिमाग और तन बदन सब हिल जाता था। लेकिन उस वक्त एक ऐसा एक्टर था जिसने मलिका का गला दबा दिया था। आज आपको इसी किस्से के बारे में बताएंगे। चलिए अपने पिटारे को खोलते हैं, स्वागत करते हैं A1 एंटरटेनमेंट में आप सभी का। मेरा नाम है मेघा। एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन फिल्म मर्डर उनकी अब तक की सबसे सफल और चर्चित फिल्म रही है। इस फिल्म में उनके अलावा एक्टर अश्मित पटेल और इमरान हाशमी भी थे। अश्मित ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने मर्डर से जुड़े कई खुलासे करे हैं। एक्टर ने बताया कि फिल्म के दौरान मलिका ने सारी लाइमलाइट ही छीन ली और उन्होंने गला दबाने का झूठा आरोप भी लगा दिया था। अश्मित बताते हैं कि उन दिनों पब्लिसिटी स्टंट का चलन नहीं था, लेकिन मलिका इसके बारे में अच्छे से समझती थी। तब उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान अश्मित और इमरान हाशमी को किनारे कर दिया। एक सीन था जहां उनको मलिका का गला घोटना था और जैसे ही ये शॉट पूरा हुआ मलिका ने इसका मुद्दा बना दिया। इसके बाद अश्मित ने मलिका से माफी भी मांगी क्योंकि महेश भट्ट ने ऐसा करने को कहा था। मर्डर 2004 में रिलीज हुई और इसने इमरान मलिका शेरावत को रातों रात स्टार बना दिया। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन अश्मित कई फिल्मों में दिखे लेकिन वो उस तरह से फेमस नहीं हुए। लेकिन बिग बॉस 4 में जब वो आए तो वो सफल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त अश्मित ने उस सीन में मलिका का गला दबाया था तो वो एक मेथड एक्टिंग कर रहे थे। ऑडियंस को लगे कि वो गला दबा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच में नहीं दबाया, लेकिन मलिका ने उन पर उनका गला दबाने का आरोप लगा दिया था और इस बात का मलिका को काफी फायदा भी हुआ था। कहानी चाहे जो भी हो, अब क्या ही कर सकते हैं, मर्डर फिल्म तो आके हिट भी हो गई और गाने आज भी लोगों को काफी फैंटेसाइज कर देते हैं। A1 एंटरटेनमेंट में अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।